शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। लोगो, अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नाइब बनाया है उसमें से खर्च करो। अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है, मेहरबान है। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की वो, और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफार से जंग की। और अल्लाह ने सबसे ही सवाब नेक का वादा किया है और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ है। कौन है जो अल्लाह को नेक नियती से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें तुम हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, बस वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, जो उसकी जानिब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है और जो बेरूनी जानिब है उस तरफ अजाब है। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बला में डाला और हमारे लिए गर्दिश जमाना के मुंतजर रहे और इस्लाम में शक किया और फजूल आरजुओं ने तुमको धोखे में डाले रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और अल्लाह के बारे में तुमको वो शैतान बड़ा फरेबी फरेब देता रहा। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न काफिरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोजख है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थी, फिर उन पर तवील अरसा गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान है। जान रखो कि अल्लाह ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, और अल्लाह को नेक नियती से कर्ज देते हैं, उनको कई गुना अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए यही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं, इनके लिए इनके अमाल का सिला होगा और इनके ईमान की रोशनी भी होगी। जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया वही अहले दोजख हैं,
जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश कि उससे उगने वाली खेती किसानों को भरी लगती है, फिर वो खेती खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश और खुशनूदी है। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। बंदो, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई होती है, और ये काम अल्लाह को आसान है। ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो। और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं। और जो शख्स रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायके हमदो सना है। हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और मीजान आदल ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें, और लोहा पैदा किया कि उसमें असलहे जंग के लिहाज से जोर भी बहुत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं। और इसलिए कि जो लोग बिन देखे अल्लाह और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं अल्लाह उनको मालूम करे, बेशक अल्लाह जोर आवर है गालिब है। और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा, सो बाज तो उनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं। फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील इनायत की, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। और तरके दुनिया वाली नई बात तो खुद उन्होंने निकाल ली, हमने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था, फिर जैसा उसको निभाना चाहिए था निभा भी ना सके। बस जो लोग उनमें से ईमान लाए उनको हमने उनका अज्र दिया, और उनमें बहुत से नाफरमान हैं। मोमिनो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अज्र अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे, और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक।